नाइट्रोजन साइकिल पास्ता कंटेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन रेजरवायर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द नाइट्रिफिकेशन तो द नेक्स्ट कंपोनेंट्स दे आर असिम्यूलेशन अमोनिफिकेशन एंड द डी नाइट्रिफिकेशन तो ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल को स्टूडेंट्स हमने वी हैव डिवाइडेड इट इंटू टू मॉड्यूल्स फर्स्ट मोड्यूल के अंदर हम फर्स्ट फोर पॉइंट डिस्कस करेंगे द सेकेंड मॉड्यूल के अंदर हम नेक्स्ट थ्री पॉइंट्स उनको डिस्कस किया जाता है सो इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रो बाई नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये फोर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम जो है वो एनिम जो है बायो मालिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं सो so, कार्बन को अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आल प्रोटीन मालिक्यूल्स अमाइनो एसल्स के अंदर हर अमाइनो एसल में एक अमाइनो ग्रुप पाया जाता है अमाइनो ग्रुप है ही किसका नाम एन एच टू ग्रुप का नाम है इट मीन्स ऑल द अमाइनो एसिड्स दे आर हैविंग नाइट्रोजन इन डैम अब इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं दे आर मेकिंग ए प्रोटीन्स ऑल द प्रोटीन दे आर हैविंग नाइट्रोजन इन डैम सो आवर डिफरेंट बॉडी फंक्शन आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन्स तो अब हमारे बॉडी के जितने भी मेन फंक्शंस हैं वो चाहे वो एंजाइम्स की फॉर्म में हैं इवन सम हार्मोन्स की फॉर्म में है, प्रोटीन्स जो है दे आर प्लेंग दियर रोल थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन दर बॉडी बहुत से आल द एनजाइम्स जितने भी हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं मोस्टली दे आर प्रोटीन्स इन नेचर तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स और इसके अलावा बहुत सारे हमारे बॉडी में जैसे फॉस्फोलिपर्स हैं आ, या फिर इसके मैमब्रेन लिपर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मैमब्रेन लिपर्स हैं जो फॉस्फोलिपर्स हैं या फिर इसके अलावा सम ऑफ द मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑल हैविंग नाइट्रोजन इन दैम इन तमाम के अंदर जो है नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वाट इज़ द रेजरवायर एंड नाइट्रोजन को अगर हम कि बाकी तमाम एलिमेंट्स की तरह ये भी इकोसिस्टम के अंदर क्या करेगी इसका एक मूवमेंट है साइकिल चलता है सो so, नाइट्रोजन साइकिल में मेन रेजरवायर से हमारा वो जगह जहाँ मेन नाइट्रोजन जहाँ वो स्टोर है सो so, एटमोसफियर के अंदर नाइट्रोजन जो है देखें इट इज़ अबाउट सेवेंटी एट परसेंट आवर एटमोसफेयर इज एक्चुअली द रेजरवायर ऑफ द नाइट्रोजन एटमोसफियर जो नाइट्रोजन का रेजरवायर है जहां नाइट्रोजन गैस एन टू की फार्म में मालिक्यूलर जहां वो दो एटम्स की मिलकर एक मालिक्यूल बनाते हैं उस फार्म में जो वो स्टोर है अब जो रेजरवायर के अंदर नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली प्लाट्स या एनिमल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं सो हम यू कहेंगे इट इज अन अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली डायरेक्टली अनबल है so, अगर हमने इसको यूटिलाइज करना है तो ज़रूरी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसको कन्वर्ट किया जाए अमोनिया या फिर आगे नाइट्रेट की फॉर्म में क्योंकि अमोनिया और नाइट्रेट ही वो दो फॉर्म्स हैं जिसको प्लांट्स आगे यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एनिमल्स है। जो हैं दे ऑप्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल्स फिर आगे प्लांट्स को यूटिलाइज करेंगे इस तरह से एनिमल्स अपने नाइट्रोजन की जो नेसेसिटी है ज़रूरियात हैं वो क्या करते हैं वो से हासिल करते हैं तो अब नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज द कन्वर्जन ऑफ मालिकुलर नाइट्रोजन इंटू अमोनिया पहला स्टेप जो है वो है कि नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन साइकिल में तो ये जो स्टेप है दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन को क्या किया जाएगा फिक्स किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसमें जो अमोनिया बनती है एनएच थ्री अगर ये गैश फॉर्म है तो एन एच थ्री है लेकिन अमोनिया इट इज़ हाईली सोलबल इन वाटर इसलिए जैसे वाटर में सोलोबलाइज हो इट विल फॉर्म अमोनियम आयंस तो इसलिए जब भी हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाटर के अंदर अमोनिया को लिखते हैं तो वी राइट इट एन एच फोर एनएच फोर का मतलब क्या है अमोनियम आयंस के फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं सो so, अब हाउ दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मैथड्स हैं एक है बायोलॉजिकल फिक्सेशन बायोलॉजिकल फिक्सेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जैसे साइनोबैक्टीरिया हमारे पास मौजूद हैं लिगमिनस प्लाट्स जो हैं उनके रूट नेडूल्स के अंदर जो है वो प्लांट्स बैक्टीरिया रहते हैं जो क्या करते हैं इसके जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं अच्छा इसके अलावा लाइटनिंग जब लाइटनिंग होती है बिजली चमकती है तो उस दौरान भी क्या होता है कि एटमोसफियर के अंदर नाइट्रोजन और वाटर के मालिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं जिससे क्या होता है कि अमोनिया जो है वो बनता है इससे जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जो हम यूरिया खाद यूज़ करते हैं ये बेसिकली क्या है कि ये ये नाइट्रोजन uh, फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है तो ये सबसे जो होता तो है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है यहाँ इस डायग्राम में अगर हम देखें सो so हेयर हमारे पास रेजर वायर इज द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक जो प्रोसेस है हमारे पास दिस वन दिस इज ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रही है बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम मौजूद हैं देन लाइटनिंग लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है एंड इवन द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री के थ्रू क्या हो रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है तो दिस पार्ट जो है ये नाइट्रोजन साइकिल का इसको हम क्या कहेंगे ये नाइट्रोजन so फिक्सेशन है नेक्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज द नाइट्रिफिकेशन तो अगला स्टेप जो है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन है नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट्स कि अमोनिया जो है उसको नाइट्रेट में अच्छा नाइट्रिफिकेशन खोदती क्यों है इसकी ज़रूरत क्या है चंद एक प्लांट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अमोनियम को यूज़ कर सकते हैं अमोनिया को यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए नाइट्रोजन सोर्स जबकि मेजोरिटी ऑफ द प्लाट्स दे के नाट यूज अमोनिया एज नाइट्रोजन सोर्स तो फिर क्या होगा कि अमोनिया जो है इट इज़ कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट्स क्योंकि मोस्टली प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स को क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं अब अमोनिया से नाइट्रेट बनने का जो प्रोसेस है इसमें दो स्टेप्स आएंगे फर्स्ट स्टेप के ऊपर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एन टू में एंड सेकंड स्टेप नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स तो इस तरह से अमोनिया से नाइट्राइट्स और नाइट्राइड से नाइट्रेट्स ये दो स्टेप्स के अंदर जाकर जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो इसकी सेंथिस होगी तो नाइट्राइट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हैं दे नाइट्रोकोकस हैं जबकि नाइट्रेट नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले जो है वो दे रहे नाइट्रोवेक्टर्स हैं फिर डायग्राम यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिजल्ट में क्या बनता है अमोनिया है अब इस अमोनिया से नाइट्रेट्स बनने का जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या होगा कि ये तो फ्राम अमोनिया टू नाइट्रेट्स दिस प्रोसेस से काल था नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस ये नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस है जिसमें जब दो स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर अमोनिया इज कन्वर्टेड इन नाइट्राइट and second step upper nitrite is converted into nitrates